अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक। और मैं हूँ इकरा मलिक। और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है ब्लश या लिक्विड टिंट के बारे में। सो हम देख सकते हैं कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स अब टिंट के आ गए हुए हैं, और क्योंकि जो टिंट और ब्लशन जो है, हमने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उसमें एसेंशियल प्रोडक्ट के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। हमने कभी भी कहीं जाना है तो हम सिर्फ फेस पे टिंट अप्लाई करेंगे और हम रेडी टू गो हो जाएंगे। और क्योंकि फेस को एक जो फ्रेश लुक दे देता है फौरी तौर पर डल लुक से। सो लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स हैं, हाई एंड भी हैं कुछ और लोकल भी हैं, अब हमें समझ नहीं आती कि उनमें से अगर हम हाई एंड में से अगर कोई बाय करना चाहें तो क्या वो वर्थ ऑफ मनी है, क्या हमें वो सेम एज सच ट्रीटमेंट दे सकेगा जो हमें लगता है कि हम इतने पैसे खर्च करके वो बाय कर सकें। सो इनमें से एक जो प्रोडक्ट है वो है मेरे पास, ये बेनिफिट का लव टिंट है। आप देख सकते हैं कि ये बेनिफिट के जो एक बैनी टिंट है वो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी, लेकिन जो ये लव टिंट है ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है इसकी पैकेजिंग। और अब इसको हम खोलते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, लाइक यू नो दिस इज़ क्यूट। और ऐसी चीज़ें अपने बैग में रखने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सो इसकी पैकेजिंग देखकर और ये सब देखकर मुझे, मतलब लाइक यू नो, हमें देखकर दिल करता है कि हम इस चीज़ को बाय कर लें। पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव है और ऐसी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे बैग में होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं। सो अब हम आते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि लिप ग्लोस का होता है इसका कुछ इस तरह से इसकी बैक। और मेरे पास जो शेड है वो है फायरी रेड, ये देख सकते हैं। मैं अगर ब्लश बाय करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेश लुक चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रेड टोन में चले जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद वो फेड हो जाएगा। यहाँ पे रेड है, मैं इसको कम से कम लगा कर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर सकती हूँ। अगर मैं लाइट शेड में ले लूँ तो मुझे लगता है कि वो उसी टोन में रहेगा। सो मुझे ये फायरी रेड इसलिए अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए बाय किया। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर जो है वो काफ़ी स्मूथ है, ये देखिए कितना खूबसूरत शेड है ये। और ये देखिए, ये मैंने पिगमेंट को ये कर दिया, ये ब्लेंड हो गया अच्छे से दिस। अब मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ। सो ये लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये मैं मैंने इसको अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं एक फौरी तौर पर एक फ्रेश सी लुक आ जाती है, हमने कुछ भी नहीं किया हो और सिर्फ हम इसको अप्लाई कर लें अपने फेस पे, तो एक बहुत खूबसूरत सा एक लगता है, लाइक यू नो आप रेडी टू गो हैं और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया, अब मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे होगा कि मैं इसको तकरीबन कोई 2-3 घंटे तक मैं इसको टच नहीं करूँ, मुझे इस तरह से ही चाहिए। लेकिन अगर ये मुझे सेम एज़ यूजुअल रिज़ल्ट नहीं देगा तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कम अज़ कम 2 घंटे मिनिमम 2 घंटे तक तो मुझे इसको टचअप करने की ज़रूरत ना पड़े। सो अब दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारी स्किन कुछ इस तरह से होती है कि हम हमारे फेस पे वो चीज़ उतनी देर रह नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। बहुत सारे लोगों को सूट कर जाती है, उनके फेस पे 4-4, 5-5 घंटे भी वो ब्लश ऑन रह जाता है। लेकिन मेरे साथ जो मसला है ये लव टिंट के साथ, वो ये है कि मेरे फेस पे ये ज़्यादा देर नहीं रहता और ये फेड होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ चला गया, या तो मुझे इसको पाउडर के साथ सेट करना पड़ता है तो मेरे फेस पे ये थोड़ा सा फिक्स रहता है, या तो मुझे इसको 2-2 घंटे के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो लेकिन मुझे ये कंसर्न होता है कि अगर मैं किसी चीज़ पे 2,500-3,000 रुपया खर्च कर रही हूँ और मैं वो चीज़ बाय कर रही हूँ, तो इतना कम अज़ कम हो, या तो फिर मैं लोकल टिंट बाय कर लूँ, वो तो मैं फिर 2-2 घंटे बाद भी अप्लाई करती रहूँ। लेकिन अगर मैं बेनिफिट का लव टिंट बाय कर रही हूँ तो मुझे उससे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 4-5 घंटे तो भाई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से है कि ये 4-5 घंटे से पहले ही फेड होना शुरू हो जाता है, जब तक आप इसको फिक्स नहीं करते तब तक ये नहीं जाता है। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और प्राइस जो है इससे अच्छा जो है वो मुझे लगता है कि शी ग्लैम का है, और शी ग्लैम इससे बहुत, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है इससे, क्योंकि वो
थोड़ी देर रहता है आपके फेस पे, मतलब कि उसकी जो, हाँ वो स्टे करता है हमारे फेस पे, ये इतनी देर स्टे नहीं करता है। और अब आप देख सकते हैं कि इस पे भी डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। ये मुझे शेड इसका बहुत अच्छा लगता है, इसकी पैक मतलब ओवरऑल दिस इज़ रियली गुड। लेकिन वही बात आ जाएगी कि ये काफ़ी देर उतना स्टे नहीं करता जितनी मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस थी। प्राइस इसकी 2.5 से 3 हज़ार रुपये के दरमियान है, और आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं जो कि इनके ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, या जो कुछ पेजेस जो हैं वो के डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और आपको उनको प्री ऑर्डर्स देना होते हैं, तो ये वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से अगर आपने खर्च करने हैं तो आपको इतना हाई एंड प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी लोकल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आपको टिंट्स वगैरह यूज़ करने हैं इस तरह से, और आपको लगता है कि एक अच्छा आप टिंट ले लिया, एक आपने थोड़ा सा सस्ता ले लिया, तो लेकिन अगर आप ये बाय करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है, स्पेशली पर्सनली मुझे लगता है, बाकियों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है मेरे से उनके फेस पे मे बी स्टे करता हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इन्वायरमेंट की वजह से होता है कि स्टे नहीं करता, कुछ आपकी स्किन का टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कुछ परफ्यूम्स होते हैं या कुछ कुछ बॉडी पे उनकी टेम्परेचर की वजह से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कुछ पे जल्दी फेड होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से मे बी मुझे लगता है कि इस वजह से फेड हो जाता है मेरी स्किन पे, स्टे नहीं करता लेकिन बाकी कर जाते हैं। सो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप इसको नहीं बाय कीजिएगा, और अगर आपके पास है तो फिर आप इसको यूज़ करते जाइए। और आप अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह से ज़्यादा लॉन्ग स्टे कर सकता है, सिवाय इसके कि हम इसको पाउडर से सेट कर लें। तो ये था मेरा आज का बेनिफिट का लव टिंट का रिव्यू, और वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक और शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।